शहर की हर बड़ी खबर देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत आप देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आरपी एजुकेशन ट्रस्ट पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। पहले भी एक मामले में उनके ऊपर आरोप लगे हैं जिसकी सीबीआई जांच चल रही है। अब एक और आरोप धोखाधड़ी के लगे हैं और गैर जमानती वारंट जो है पानीपत कोर्ट ने इनके खिलाफ किए हैं। पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। गुरमीत सिंह मेरे साथ हैं। आरपी वेल्टार हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा। जब गरोंडा साइड जाएं तो आरपी वेल्टार साइड राइट हैंड में पड़ता है, उसी का ये मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। गुरमीत सिंह से बातचीत करते हैं, क्या मामला है जी, ये आरपी एजुकेशन पर क्या मामला चला है? देखिए जी, मैं इस मामले में कंप्लेनेंट हूँ और जो है इसमें मैंने कंप्लेंट की है और बकायदा जो है हमारा इनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है। ये इस केस में जो है कल नॉन अवेलेबल वारंट जो है इशू हुए हैं पानीपत की कोर्ट ने आरपी एजुकेशन ट्रस्ट के ऊपर, जिसमें ट्रस्टी हैं मेन जो है भरत सिंगल, डॉक्टर राजीव सिंगल, मधुर सिंगल, आरपी सिंगल, आरपी जो राजपाल सिंगल है जिनके नाम पे आरपी है, मोनिका सिंगल, धर्मचंद, अनु सिंगल और इसके अलावा जो है ममता सिंगल और सुमित्रा सिंगल। इन 10 लोगों के ऊपर जो है धोखाधड़ी का एक मामला जो है संज्ञान में लिया था। 138 का मामला था कोर्ट का, चेक का, जो इन्होंने जो है एक चेक दिया था 2 करोड़ समथिंग का। वो चेक जो है जब बाउंस हो गया उसके बाद कोर्ट के बुलावे पर भी ये बार बार नहीं आया, तो ये मामला जो है नॉन अवेलेबल वारंट की तरफ चला गया। इसका एक्चुअल मामला ये है कि ये चेक इशू क्यों हुआ था, मैं आपका विस्तार से बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, कि एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट की शर्तें ये होती हैं कि आप हमारे संस्थान में पैसा लगाएंगे, जितना ही पैसा आप लगाएंगे वो पैसा जब आप 3 साल पूरे हो जाएंगे 2021 में तो आप अपना पैसा वापस ले लेंगे। तो ये पैसा लगता रहा, लगभग 7 से 8 करोड़ रुपया इसके अंदर इन्वेस्ट हो गया। इन्वेस्ट होने के बाद इन्होंने कुछ समय के बाद जब इनको लगा कि अब पैसा देने की बारी आएगी तो ये डिसऑनेस्ट हो गए। डिसऑनेस्टी में इन्होंने क्या करा, कुछ गुंडा तत्व भेज दिए 2021 में। इनकी बाकायदा FIR भी हुई अंडर सेक्शन 323 मारपीट, 354D किसी लेडीज़ को छेड़छाड़ करना और 506 जान से मारने की धमकी में। जब ये FIR इनके ऊपर हुई तो इनको लगा कि अरे अब तो ये मामला नहीं संभलेगा। बकायदा जो है इसकी कवरेज भी की मीडिया भाइयों ने, पत्रकार बंधुओं ने। उसके बाद जो है ये मामला चला जाता है आगे और आरपी एजुकेशन ट्रस्ट वाले जो है ये चेक जो है इशू कर देते हैं कि ठीक है जी, हमारा 2 करोड़ का अभी आप चेक ले लीजिए और उसके बाद जो है बाकी का पैसा जो है हम बैठ करके बात कर लेंगे। साथ में ये क्या करते हैं कि कंप्लेंट भी डाल देते जी, हमारा ये चेक तो हमने दिया ही नहीं। और ये DSP साहब करनाल के जब उसकी जांच करते हैं तो जांच में सामने आता है कि ये चेक बकायदा इन्होंने दिया था और बकायदा देने के साथ साथ इन्होंने सारी CCTV फुटेज और सब कुछ जांच के बाद DSP साहब की रिपोर्ट में है, रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा है कि इन्होंने, किनकी आदत है कि ये ऐसी फेक कंप्लेंट क्रिमिनल केसेस बनाते रहते हैं और पुलिस को और कोर्ट को, जुडिशियल डिपार्टमेंट को ये इसी प्रकार से अपने पक्ष में यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर DSP साहब ने बकायदा इनके ऊपर 182 की प्रोसीडिंग भी रेकमेंड करी। फिर जो है नॉर्मल हमने इसमें कोर्ट में स्टे ले लिया, हाई कोर्ट से, सेशन कोर्ट से स्टे हो गया। स्टे के अंदर भी ये बकायदा सारी चीज़ें आई कि ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं आरपी एजुकेशन ट्रस्ट वाले, RPIT कॉलेज है जिनका, आरपी के कई सारे संस्थान हैं और कई अधिक मतलब स्पिनिंग मिले और कई चीज़ें हैं जो ये ऑपरेट कर रहे हैं, इन्होंने बकायदा कोर्ट के ऑर्डर में ये चीज़ आई कि रिस्पोंडेंट जो हैं डिसऑनेस्ट हो गए और वो बकायदा वो चाहते थे कि किसी तरीके हॉस्पिटल को अपने हाथ में ले लिया जाए और इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया जाए। इसी के चलते उन्होंने ऐसा गलत काम, गुंडा तत्व को इन्वॉल्व किया और FIR नंबर 201 भी रजिस्टर्ड हुई। और इसके अलावा जो है एक इन्होंने चेक इशू किया 176733 2 करोड़ 12 लाख रुपये का, जो चेक भी जो है बाउंस हो गया जिसके एवज में इनके गैर जमानती वारंट इशू। मामला समझा दूं, आरपी वेल्टार हॉस्पिटल जब गरोंडा की साइड जाएं, करनाल की साइड गरोंडा पार करते ही वो हॉस्पिटल आता है, तो पहले वो आरपी वेल्टार हॉस्पिटल के नाम से था, इन्होंने रेंट पे लिया था और पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया था। और जैसा कि बता रहे हैं कि जब इन्होंने छोड़ना था तो उतना पैसा मालिक वापस देगा, ऐसा एग्रीमेंट था। जब वो तारीख नज़दीक आती रही तो तब थोड़ा सा उनमें लालच आना शुरू हो गया, तब ये मामला जो था उलझना शुरू हो गया। मारपीट भी हुई, FIR दर्ज हुई तो फिर अरेस्ट भी हुए थे उसमें। हाँ, अरेस्ट भी हुए, इसके अंदर 3 गिरफ्तारियाँ हुई और 2-2 महीने जेल में रहने के बाद फिर उनकी जमानतें हुई। तो जब हमने इस मामले की इस पर्सनल लेवल पर जाँच करी कि हम देखें तो सही कि जिनके साथ हमारा टाई अप हुआ है इस संस्थान को चलाने के लिए उनका मार्केट क्रेडिबिलिटी क्या है, तो हमारे सामने एक और बड़ी FIR निकल के आती है। ये FIR दर्ज होती है जी 420/68/71 में, 2020 का मैटर है ये। इसमें आरपी बासमती राइज, अनु सिंगल, राजपाल सिंगल, पूरा सिंगल परिवार इन्वॉल्व है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये CBI में इसकी जांच चल रही है और 220 करोड़ रुपए का ये मैटर है।
220 करोड़ का ऑलरेडी इनके ऊपर एक एलिगेशन लगा हुआ है जिसकी एफआईआर मेरे हाथ में है। इतनी बड़ी एफआईआर के बाद जब हमने और इनकी जानकारी चाही कि आरपीआईटी कॉलेज के बारे में पता करें, तो आरपीआईटी कॉलेज के भी हमें बहुत से ऐसे फैक्ट मिले। इन्होंने अपने मैंडेटरी डिस्क्लोज़र के अंदर बोला था जी हमारे बच्चे डिस्टिंक्शन के साथ 20% बच्चा डिस्टिंक्शन के पास होता है, जबकि एज सच ऐसा डिस्टिंक्शन नाम का वर्ड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए होता ही नहीं है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की आरटीआई से हमें जानकारी मिली। इसके अलावा जब हमने और अधिक जांच करी तो हमें पता चला कि इनके जो बच्चे हैं 2021-22 में मात्र 0 बच्चा, 2019-20 में 4 बच्चे, 2018-19 में 3, इतने तो इनके एडमिशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, कुल तो 10 बच्चे भी नहीं है इनके पास। और इनके 65 टीचर हैं जिनको इन्होंने ऑन रिकॉर्ड दिखा रखा है। जब हमने जाँच करी तो हमें पता चला कि इनके तो 20 भी टीचर नहीं है जो इनके पास एक्चुअल में है। इन्होंने सब फर्जी डाटा के ऊपर AICTE को झूठ बोल के फर्जी एफिडेविट दे करके इन्होंने मान्यता ली है, जिसके लिए हमने AICTE को भी लिखा है कि इनकी मान्यता जो है रद्द होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो फ्रॉड करा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ करा। इन्होंने दिखाया जी हमारे पास इतने करोड़ की फीस आई, इतनी हमने सैलरी दे दी, जब टीचर ही नहीं है तो इन्होंने सैलरी किसको दे दी, जब सैलरी दी नहीं तो इनकम टैक्स विभाग का टैक्स भी बनता है जो इनकी देनदारी है। इसके अलावा हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हमारे पास 20 से ज़्यादा टीचरों के अब तक एफिडेविट आ चुके हैं जिन्होंने बोला जी हमारा फर्जी तरीके से नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, हमने वहाँ पर कोई ऐसी जॉब पहले की थी, अब हमने नहीं की, अब हम कहीं और लग गए हैं। जब आज ये न्यूज़ लगी, पानीपत कोर्ट ने आरपी एजुकेशन ट्रस्ट के 10 ट्रस्टियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाले, तो मेरे पास इनके एक पुराने डायरेक्टर का मैसेज आया। उस डायरेक्टर ने मुझे बोला कि मैं भी चाहता हूं कि ये लोग अरेस्ट हो जाएं, और ये मुझे 1 करोड़ रुपया मेरा भी पेंडिंग है AICTE के अंदर, जो मेरा 1 करोड़ रुपया इनसे लेना पेंडिंग है। ये इनके डायरेक्टर हैं कोई RPIT के, उन्होंने मुझे मैसेज किया। और ऐसे 20 से ज़्यादा अधिकतर टीचर हैं जो मुझे मैसेज कर चुके हैं, एफिडेविट दे चुके हैं जी हमारा यहाँ से कोई लेना देना नहीं है और हमारा नाम फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जाँच होगी, पत्रकार बंधु इसको चाहेंगे, तो ये मामला जो है कई करोड़ों का फर्जीवाड़ा निकलेगा। अब गैर जमानती वारंट उनको इशू हो चुके हैं जी, अब अगला क्या है इसमें? देखिए, अगला अगर अभी भी ये पेश नहीं होते तो अब इसमें एज पर कोर्ट की, मैं एडवोकेट भी हूँ, तो इसमें 82 की कार्रवाई होगी। 82 की कार्रवाई का मतलब होता है प्रोक्लेमेड ऑफेंडर इनको बनाया जाएगा, PO की कार्रवाई इनकी होगी। अगली डेट जो है फरवरी की है, लंबित है। अगर फरवरी में भी ये प्रेजेंट नहीं होते तो इनके ऊपर PO की कार्रवाई निश्चित तौर पर स्टार्ट हो जाएगी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगल परिवार करनाल का रहने वाला है, गरोंडा में इनका जो है बहुत बड़ा एजुकेशन ट्रस्ट है वहाँ पे। और मैं जो है पानीपत से हूँ, मैं कंप्लेनेंट हूँ इस केस में, मैंने इनकी कंप्लेंट की थी और मुझे अपने कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास है जल्द हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये आरोप लगे हैं आरपी ट्रस्ट के ऊपर, आरपी एजुकेशन ट्रस्ट ये गरोंडा के पास है और करनाल का रहने वाला ये सिंगल परिवार है, और आरोप लगे हैं धोखाधड़ी का। जैसा कि बता रहे थे CBI ने एक पहले भी मामला दर्ज किया है, कई करोड़ों का वो मामला है, वो भी लंबी चल रहा है। तो फिलहाल इस मामले में गैर जमानती वारंट जो है इशू है और फरवरी में डेट लगी है। अगर फरवरी में फिर भी वो लोग नहीं आते, कोर्ट के सामने पेश नहीं होते, तो जाहिर तौर पर PO घोषित होंगे और उसके बाद जो है इनकी गिरफ्तारियां जो होंगी। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।